अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब, गोश्त खा खा कर थक गए हैं तो कुछ ट्राई कर लीजिए नया। आज हमारे किचन में बन रहा है चने की दाल पालक, तो चलिए बनाते हैं चने की दाल पालक। आपने बस करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस आप देखते रहें, आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बनाते हैं चने की दाल के साथ पालक। एक पतीली में मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, पानी बॉईल हो गया है और ये 1 कप चने की दाल है। इसे मैंने 2 घंटे भिगोया था और अब मैं उस उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ ये 1 कप चने की दाल। क्वार्टर टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ नमक और 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें। और हम दाल को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये 90% गल नहीं जाती। दाल के ऊपर ये जो झाग होता है इसे हम इस तरीके से हटा देते हैं, निकाल देते हैं और दाल को हम उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये 90% डन हो नहीं जाती। एक पतीली में डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, साथ में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा सा तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 मोटी काली इलायची, 2 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा इसमें, इसे थोड़ा सा क्रैकर कर लेते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी प्याज कटी हुई, बहुत छोटी सी है ये, इसको चला लेते हैं। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने की तरफ जा रही है, बस हम इसे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी चला लेते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। थर्टी सेकेंड्स हो गए हैं, अदरक लहसुन की बहुत अच्छी पकी हुई महक आ रही है। अब हम डालेंगे तकरीबन ये 1 गड्डी जो है वो पालक की है, मैंने इसे बारीक बारीक काट के बहुत अच्छे से धो लिया है। पालक भी बैठ गई है नीचे, हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम लो है। अब हम कुछ और चीजें इसमें शामिल करेंगे। इसमें डाल रही हूँ टमाटर, 1 स्मॉल साइज की टमाटर कटी हुई हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देते हैं, 1/4 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। फ्लेम को कर रही हूँ मीडियम लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएं और हमारी पालक जो है वो भी गल जाए। बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हस्बे जायका है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्की आंच पर रख देते हैं फुली कुक होने के लिए पालक को। पालक को देख लेते हैं, खोलते हैं और हमारी पालक देखिए, टमाटर बिल्कुल गल गया है और पालक भी सॉफ्ट हो गई है। बस इसे कर रही हूँ स्टोव को बंद और चलते हैं अपनी दाल की तरफ। एक बड़ा पॉट लिया है मैंने, इसमें शामिल करूंगी 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 1 मोटी काली इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 लौंग शामिल करेंगे और 8 से 10 दाने काली मिर्च के और 1 तेज पत्ता भी शामिल कर लेते हैं। क्रैकर कर लेते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का अनियन, थिनी स्लाइस है ये, इसे पका लेते हैं और कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा स्लाइटली ब्राउन करेंगे हम इसे। प्याज जो है वो ब्राउन होने की तरफ जा रही है और ये देखिए काफी हद तक जो है वो ब्राउन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं शामिल करूंगी इसमें भी 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने पालक में भी डाला है तो हम बहुत कम इसमें भी शामिल करेंगे वरना बहुत ज्यादा जो है वो एक वियर्ड सा टेस्ट आ जाता है इसमें। चला लेते हैं 30 सेकेंड्स के लिए इसे। 30 सेकेंड्स हो गए हैं, फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम लो। अब मैं शामिल करूंगी ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं इनको, 1/4 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून डालूंगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी क्योंकि दाल उबालते हुए नमक डाला है, उसके साथ हमने पालक में भी डाला है। इसको चला लेते हैं बहुत अच्छे से। और इतना पकाएंगे कि हमारे जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर काफी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दही। बहुत अच्छे से चला देते हैं। दही के साथ इतना भूनना है हमने कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ऑलमोस्ट जो है वो पानी ड्राई हो गया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें वो उबली हुई दाल। चला लेते हैं इसे, ये 90% तक डन थी। 3 से 4 मिनट तक दाल को हम चलाएंगे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये मोटी एक मिर्च है, कलर देती है, खूबसूरत लगती है, इसे शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, इसे चला लेते हैं। इमली का पल्प है ये, 1 टेबलस्पून गाढ़ा पल्प है, मैं डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमारी दाल ऑलमोस्ट डन हो गई है, दाल हमारी रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम शामिल करेंगे पालक, ये 1 कप के करीब हो गई है पालक, इसे शामिल कर देते हैं। 1 गड्डी पालक डाली थी और ये इनफ है इस दाल के लिए, 1 कप दाल के लिए। अगर आप पालक ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बस थोड़े से मसाले को और ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। हमारी दाल पालक रेडी हो गई है, ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी दाल पालक की शक्ल निकल आई है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी दम पर ताकि इन सब चीज़ों का जो फ्लेवर है वो आपस में मिक्सअप हो जाए। 5 मिनट्स हो गए हैं, खोल के देखते हैं। और ये देखिए हमारी दाल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल इसकी आ गई है। और अब चलते हैं तड़के पर, तड़का बनाते हैं और लगाते हैं दाल को तड़का। दाल में तड़के के लिए मैंने 2 टेबलस्पून डाला है घी। घी को थोड़ा सा तेज़ गरम कर लेते हैं। उसके साथ मैं डाल रही हूँ ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है लहसुन। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा। थोड़ा सा डालेंगे कलवंजी, इसको चला लेते हैं। साथ में डालूंगी 2 से 3 बड़ी लाल मिर्च जो है सूखी हुई, उनको भी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। हमारा तड़का रेडी है, लगाते हैं दाल पर। तड़का रेडी है और ये हो गया हमारा तड़का। दाल के ऊपर बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं अपने चना दाल पालक को। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बाय।